सो iPhone 14 Pro Max हमारे पास यहाँ पे आ चुका है और आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और इनिशियल रिव्यू और देखते हैं कि कैसा है पिल शेप डायनामिक आइलैंड और जो कैमरास में इम्प्रूवमेंट हुई है वो वाकई यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है या फिर नहीं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू VTube नेटवर्क। चैनल पे नहीं हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। सो एप्पल के ऑनलाइन स्टोर से यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था iPhone 14 Pro Max जो कि आया ब्लू डार्ट की तरफ से। बिल भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि HDFC के कार्ड डिस्काउंट रोल लगाने के बाद लगभग 133,000 का पड़ा है हमें iPhone 14 Pro Max गोल्ड कलर में। तो कुछ इस तरह के बॉक्स के अंदर आता है हमारा iPhone 14 Pro Max। इस फुल टैब को जस्ट हमें यहाँ से पील ऑफ करना है और हमारा बॉक्स यहाँ पे अनबॉक्स हो जाएगा और अंदर की तरफ हमें यहाँ पे मिलता है iPhone 14 Pro Max का बॉक्स। बॉक्स के नीचे यहाँ पे हमें बिल मिल जाता है। प्रो मॉडल में यहाँ पे काफी सारे चेंजेस हुए हैं, इवन यहाँ पे बॉक्स भी जो है वो चेंज हो चुका है। लास्ट ईयर तक प्रो मॉडल्स ब्लैक कलर के बॉक्स में आते थे बट यहाँ पे अब व्हाइट कलर के बॉक्स आया है और बॉक्स के ऊपर ही सबसे मेन चीज जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है ये पिल शेप नॉच जिसको एप्पल ने नाम दिया है डायनामिक आइलैंड। इसके अलावा साइड में आईफोन लिखा हुआ मिल जाता है और एप्पल लोगो बना हुआ मिल जाता है। दोनों ही यहाँ पे गोल्डन कलर से है क्योंकि मैंने यहाँ पे गोल्ड कलर ऑर्डर किया है। बाकी आपको यहाँ पे फोन की डिटेल मिल जाती है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ये फोन 128GB का और उसका प्राइस जो लगभग 140,000 का है। ऑल्दो मुझे लगभग यहाँ पे 6,000 का डिस्काउंट मिला है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया HDFC के क्रेडिट कार्ड से। सो अनबॉक्स करने के लिए आपको यहाँ पे दो पुल टैब मिलते हैं, इनको हम फटाफट से यहाँ पे पील ऑफ कर लेते हैं और हमारा iPhone 14 Pro Max जो है वो कम्प्लीटली अनबॉक्स हो जाएगा। सो फाइनली इट्स टाइम टू मीट iPhone 14 Pro Max। सो ये रहा हमारा iPhone 14 Pro Max। दिखने में थोड़ा थोड़ा iPhone 13 Pro Max जैसा ही लग रहा है बट आप डिफरेंसेस यहाँ पे स्पॉट कर सकते हो। यही है वो फोन जिसकी पिछले 3 से 4 महीने से लीक्स एंड रूमर्स चल रहे थे कि कैसी होगी इस बार की iPhone 14 Pro सीरीज। तो हर बार की तरह पहले इसको थोड़ी देर साइड पे रखते हैं और बाकी के बॉक्स कंटेंट पे भी नजर मार लेते हैं कि क्या क्या हमें iPhone 14 Pro Max के बॉक्स के साथ मिलता है। ऑल्दो मेरे को लगता है कि सबको पता ही होगा कि क्या यहाँ पे मिलने वाला है। सो आपको बेसिकली यहाँ पे चार्जिंग करने के लिए वायर मिल जाती है टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट। स्टिल यहाँ पे आपको लाइटनिंग पोर्ट ही मिल रहा है और कोई भी चार्जर नहीं मिलता, इवन प्रो मॉडल्स के साथ भी जो लगभग 1.5 लाख के फोन मिलते हैं। इसके बाद पेपर वर्क भी बस यहाँ पे नाम का ही रह गया, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे सिम इजेक्टिंग पिन मिल जाती है, उसके अलावा एप्पल स्टिकर जो है वो भी सिर्फ अब एक ही मिलता है और पेपर वर्क जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि अब नाम के 2-3 पेजेस रह गए हैं, वो भी आधे। लास्ट ईयर भी वैसे कुछ ऐसा ही था। सो बस यही होता है अब तो आईफोन के बॉक्सेस में। अब चलते हैं मेन हीरो की तरफ, आईफोन 14 प्रो मैक्स। 4 कलर के अंदर अवेलेबल है, डीप पर्पल, गोल्ड, सिल्वर और उसके साथ आपको स्पेस ब्लैक के अंदर भी मिल जाता है हमारा iPhone 14 Pro Max। रियर में मैट फिनिश के साथ आता है हमारा iPhone 14 Pro Max और एजेस जो है इसके स्टेनलेस स्टील मिलते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पे शाइन कर रहे हैं और काफी अच्छे लग रहे हैं ये गोल्ड कलर के साथ स्पेशली। और अब इस पेपर को भी यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अब हो गया हमारा iPhone 14 Pro Max ready to boot। वैसे डिजाइन के अंदर रियर से चेंजेस की बात करें तो कैमरास के साइज जो है यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, थोड़े से और जो है वो बड़े हो गए और यहाँ पे फ्लैश लाइट के अंदर आपको चेंज देखने को मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पे आपको न्यू फ्लैश लाइट मिल जाती है iPhone 14 सीरीज के अंदर जिसको एप्पल कहता है एडेप्टिव ट्रू टोन फ्लैश। बाकी आप किसी भी iPhone को पकड़ के देख लो वो आपको प्रीमियम फील ही देता है। ऊपर से यहाँ पे ये प्रो सीरीज है जो कि एप्पल की सबसे ज्यादा प्रीमियम सीरीज होती है, वो यहाँ पे आपको इन हैंड फीलिंग जो है उसकी प्रीमियम ही आने वाली है। फटाफट से इसको कर लेते हैं बूट और फटाफट से इसका फर्स्ट सेटअप मैं कर लेता हूँ। अगर आप पहली बार आईफोन परचेज कर रहे हो देन आप मैन्युअली यहाँ पे फर्स्ट सेटअप कर सकते हो। अगर पहले कोई आईफोन था तो उसका सारा डेटा आप इस आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हो कुछ ही मिनट्स में। और ये डायनामिक आइलैंड अभी से दिख रहा है यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो और ये हमारा फोन टर्न ऑन हो चुका है और यहाँ पे डायनामिक आइलैंड भी हमें सामने सामने दिख रहा है। फटाफट से मैं ये सेटअप जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेटअप कंप्लीट हो चुका है और हमारा iPhone 14 Pro Max रेडी है। सबसे पहली चीज जिस पे नजर जा रही है वो है डायनामिक आइलैंड। ऑल्दो यहाँ पे आप लोगों को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि हमें यहाँ पे नोच देखने की आदत हो चुकी थी बट अब जो ये पिल शेप है स्क्रीन के ऊपर कुछ अलग सा दिख रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद इसके भी हमें विजुअल हो जाएंगे और हमें यही ज्यादा सही लगेगा नोच के बजाय। डिस्प्ले में भी यहाँ पे साफ साफ इंप्रूवमेंट्स नजर आ रही है। ऑल्दो 6.7 इंच की ही ये डिस्प्ले है जो कि iPhone 13 Pro Max की थी बट यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है
वो कुछ सेंटीमीटर से बड़ा है। रिफ्रेश रेट जो है यहाँ पे आपको प्रो मोशन वाला मिलता है, क्योंकि ये प्रो सीरीज है, आपको 120 हर्ट्ज तक का यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से नोटिसेबल है। एज अ आईफोन 13 यूज़र जिसके अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है, वहाँ से यहाँ पे आप आसानी से नोटिस कर सकते हो इस रिफ्रेश रेट को। और हाँ, वी आर वेरी क्लोज टू 10K सब्सक्राइबर्स, ये तो मुझे पता है हो ही जाएंगे, बट हमारा नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पे 15K सब्सक्राइबर्स का, जो कि आप लोगों की मदद से यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है काफी जल्दी। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और कंटेंट अच्छा लग रहा हो, देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरह से टेक्नोलॉजी एंड एप्पल रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है देन आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बैक टू प्रो मोशन, यहाँ पे उसके अंदर भी अपडेट आया है। पहले हमारा प्रो मोशन जो था वो 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक चलता था, बट यहाँ पे उसकी रेंज और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक चलता है। इस टाइम पे जो आप देख रहे हो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, जहाँ पे आपको डायनेमिक आइलैंड के अंदर भी लॉक दिख रहा होगा, उसके अलावा पूरी डिस्प्ले जो है वो आपकी यहाँ पे ऑलवेज ऑन रहती है 1 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे। तो वाकई यहाँ पे काफी अच्छी इंप्रूवमेंट की गई है रिफ्रेश रेट के मामले में भी, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो कि हमें मिल रही है यहाँ पे प्रो सीरीज के अंदर, उसके अंदर भी आपको काफी अच्छी ये अपडेट मिल जाती है। अब डिस्प्ले की बात करें तो वैसे तो आपको ये सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले ही मिलती है, जो कि आईफोन 13 प्रो मैक्स के अंदर थी, जिसको OLED डिस्प्ले भी आप कह सकते हो। बट इसके अंदर चेंजेस क्या है, एक तो जैसे मैंने आपको बताया प्रो मोशन, डायनेमिक आईलैंड, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बट इसके अलावा आपको यहाँ पे पिक्सल रेजोल्यूशन में स्लाइट इंप्रूवमेंट मिलती है, बट उससे भी बड़ी चीज यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस में इंप्रूवमेंट मिल रही है। टिपिकली यहाँ पे जैसे 13 प्रो मैक्स के अंदर थी 1000 nits की आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस मिलती है, और 1600 nits तक चली जाती है HDR कंटेंट के टाइम पे, जो कि पहले 1200 nits तक जाती थी। और बात अभी भी खत्म नहीं होती, 2000 nits तक की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है आउटडोर में, मतलब अगर आप सनलाइट में भी जाते हो अपने फोन को लेके, देन आपको यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में कोई भी कंप्लेंट वहाँ पे नहीं रहने वाली, डिस्प्ले काफी अच्छे से विजिबल होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरास की, कैमरा में भी आपको यहाँ पे काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स मिल जाती है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो है वो है यहाँ पे 48 मेगापिक्सल जो कि ऐड हुआ है। पहले जो कि 12 मेगापिक्सल की यहाँ पे कैमरा आते थे, बट 48 मेगापिक्सल का यहाँ पे मेन कैमरा हो चुका है। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है, और 12 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है, और एप्पल ने इसको नाम दिया प्रो कैमरा सिस्टम। इमेज स्टेबिलाईजेशन भी यहाँ पे इम्प्रूव हुई है, और नया एक्शन मोड है जिसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे नया फोटोनिक इंजन ऐड हुआ, और ऑटो फोकस भी इंट्रोड्यूस किया गया है। फ्रंट कैमरा स्टिल 12 मेगापिक्सल का है, नया नया सा कुछ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको 0.5, 1x, 2x और 3x भी मिल जाता है यहाँ पे, जो कि बेसिकली मेन कैमरा का ही कटआउट है। बाकी पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे सेम ही रहने वाले हैं। नॉर्मल वीडियोस तो आप यहाँ पे 4K 60fps तक पहले भी रिकॉर्ड कर सकते थे, बट अब यहाँ पे आपको सिनेमैटिक मोड के अंदर भी 4K 30fps तक का सपोर्ट मिल जाता है। इवन फ्रंट में भी आप यहाँ पे 4K 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो सिनेमैटिक मोड के साथ। नया एक्शन मोड यहाँ पे ऐड हुआ है, जिसके अंदर अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्शन मोड जो है ऊपर की तरफ से टर्न ऑन किया हुआ है, और यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, तो उसकी स्टेबिलाईजेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। यहाँ पे मैं काफी अच्छे से शेक कर रहा हूँ फोन को, काफी ज्यादा यहाँ पे इवन शेक किया है कि जिससे अच्छे से हमारा एक्शन मोड जो टेस्ट हो जाए, और उसका रिजल्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी अच्छी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग आई है, बिल्कुल भी अनस्टेबल नहीं है वीडियो, यहाँ पे डिटेलिंग भी मेंटेन रही है वीडियो के अंदर। कुछ फोटो जो मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स के कैमरा से लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वैसे उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, अलग से कैमरा टेस्ट होगा आईफोन 14 प्रो मैक्स का जल्द ही यूट्यूब नेटवर्क पर। इनिशियल फोटोज में यहाँ पे साफ साफ इंप्रूवमेंट्स नजर आ रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी थोड़ी मैंने अभी चेक करी है, बट इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी, वहां पे हमें पता चलेगा किस तरह के कैमरास के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है आईफोन 13 प्रो मैक्स से आईफोन 14 प्रो मैक्स में। बाकी A16 की सुपर फास्ट बायोनिक चिप भी आप लोगों को मिल जाती है सिर्फ प्रो मॉडल्स में, 14 और 14 प्लस के अंदर आपको स्टिल A15 की बायोनिक चिप ही मिलती है। वैसे तो A15 की बायोनिक चिप भी काफी ज्यादा सुपर फास्ट है, बट A16 का तो कोई जवाब ही नहीं है। iOS 16 के आने से यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज हमें शो नहीं होती थी, अब वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है, और जिन मॉडल्स में यहाँ पे अभी भी बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन नहीं आ रहा, उनको भी अपडेट के थ्रू यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बैटरी परसेंटेज का। और वैसे तो ये ब्रांड न्यू फोन ही है, तो इसकी बैटरी हेल्थ जो है वो 100% ही होगी, फिर भी आपको चेक करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे 100% बैटरी हेल्थ ऑफ अवर आईफोन 14 प्रो मैक्स। अब बात करें हम इस डायनेमिक आइलैंड की, तो पहले जैसे नोच आता था, ये नोच की तरह सिर्फ कैमरा, फेस आईडी और अदर सेंसर्स को नहीं संभाल रहा, बल्कि इसका एक अलग ही रोल हो चुका है। चार्जिंग करोगे तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे व्यू देखने को मिलेगा, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं काफी एक्टिव हो चुका है ये पिल शेप नॉच। किसी ऐप में अगर बैकग्राउंड में कुछ रन कर रहा होगा, जैसे कि टाइमर ऐप है, इसको हमने यहाँ पे ऑन कर दिया, और इसको हम जैसे यहाँ पे क्लोज करेंगे तो ये डायनेमिक आइलैंड की तरफ जा चुकी है, और वहीं पे हमें इसका एक विजिट की तरह कह सकते हो कि इसका यहाँ पे हमें टाइमर चलता हुआ दिख रहा है।
इसी के साथ अगर आप यहाँ पे iTunes के अंदर सॉन्ग्स भी सुन रहे होगे और आप स्वाइप अप करते हो देन आपको वहाँ पे सॉन्ग्स भी चलते हुए दिखेंगे। और माइक्रोफोन कैमरा अगर आपका यूज हो रहा है देन उसके सेंसर्स भी आपको इसी डायनेमिक आइलैंड के अंदर दिखेंगे। तो डिस्प्ले का और iPhone 14 Pro सीरीज का एक हाईलाइटिंग फीचर है डायनेमिक आइलैंड। इट कैन बी द मेन रीजन कि काफी सारे लोग iPhone 14 Pro सीरीज की तरफ जाएंगे जिन लोगों के पास बजट है रेदर iPhone 14 और 14 प्लस। बाकी क्रैश डिटेक्शन का आपको एक नया सेंसर मिल जाता है iPhone 14 सीरीज के अंदर। 5G तो है ही हमारा iPhone 14 सीरीज। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकन मॉडल्स के अंदर आपको सिम ट्रे भी नहीं मिलती, वहां पे सिर्फ आपको ई सिम का ही ऑप्शन मिलेगा। बैटरी एमएच की बात करें तो स्टिल अभी इनिशियल स्टेजेस के अंदर है जहां पे टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि एप्पल तो खुद बताता नहीं है अपने iPhones की एमएच, बट यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है तो वहाँ से यही पता चल रहा है कि इसकी कुछ एमएएच जो है वो कम है आईफोन 13 प्रो मैक्स से। बट यहाँ पे A16 के बायोनिक चिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, ऑप्टिमाइज्ड है, जिस वजह से आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स से भी ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी। वैसे यहाँ पे अगर एमएएच की हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 4323 एमएएच की बैटरी मिल जाती है आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर। प्राइस की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 140,000 के आसपास आपको मिलता है आईफोन 14 प्रो मैक्स। वैसे ये फोन जो है वाकई काफी ज्यादा लाजवाब है, आपको इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स भी मिलती है। अगर बजट हो तो आईफोन 14 प्रो सीरीज की तरफ ही जाना चाहिए आईफोन 14 और 14 प्लस से बेटर। और अगर उतना बजट नहीं है देन आप आईफोन 13 की तरफ जा सकते हो अगर आप पहली बार आईफोन परचेज कर रहे हो, जो कि आपको मिलेगा 4999 का फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल के अंदर, और वो वाकई आईफोन 14 से बेटर डील है। क्यों, उसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। या तो आईफोन 13 की तरफ जाओ, नहीं तो प्लस की तरफ जाओ अगर बिगर डिस्प्ले और बैटरी ज्यादा अच्छी चाहिए, नहीं तो प्रो मॉडल्स आर बेस्ट। सो ये तो बस अनबॉक्सिंग और इनिशियल रिव्यू था, बाकी इसके ऊपर फुल डिटेल रिव्यू भी हम करेंगे और इसके कैमरा टेस्टिंग भी करेंगे, गेमिंग टेस्ट करने की भी कोशिश करेंगे और बाकी सारे आईफोन्स के साथ भी कंपैरिजन आपको जल्द ही मिल जाएगा वीट्यूब नेटवर्क पर। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।